प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद के पहले अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होमहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम षष्ठम स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। शीर्षक अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान आप पहले निवृत्त मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरा आदि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मा लोक में पहुँचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर इसके सिवाय आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी भली भांति वर्णन किया है जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का भी संबंध ना छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया है कि अधर्म करने से अनेकों नरकों की प्राप्ति होती है और उनका विस्तार से वर्णन भी किया है। आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया है जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही प्रियव्रत और उत्तान पांत के वंशों का, चरित्रों का एवं द्वीपों, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया है। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप, वर्ष आदि विभाग, उनके लक्षण, परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल बितल आदि भू विवर और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की है उसका वर्णन भी आपने सुनाया है। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक में ना जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश दीजिए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित ना कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है जिनका वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया है। इसीलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान मनुष्य राज दंड, समाज दंड और लौकिक शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पर लौकिक कष्टों से यह जानकर भी पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसीलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याण प्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बाँसों के झुरमुट में लगी आग बाँसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्माचार्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य और बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम और नियम, इन नौ साधनों से मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से ही होती है, वैसी ही तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती।
जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ है, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवत अनुरागी मन मधुकर भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पास धारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है, तुम मुझसे उसे सुनो। कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोहियों को बांध कर उन्हें लूट लेता, तो कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित, इस प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता था। इस प्रकार उसकी आयु का बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता था तब भी उसे खिलाता था, और जब वह पानी पीता तो भी उसे पिलाता था। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही ना चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे लेने के लिए अत्यंत भयावह 3 दूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां कुछ दूर पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ही ऊंचे स्वर से पुकारा कि नारायण, भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से ही झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा कि अरे धर्मराज, की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम होते कौन हो? तुम किसके दूत हो और कहां से आए हो, और इसे ले जाने में हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र में कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल का हार है। सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृतिक प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब यम दूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यो कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ ही है? तब यमदूतों ने कहा कि वेदों के जिस कर्मों का विधान किया गया है वे धर्म है, और जिनका निषेध किया गया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है।
जगत के रजोमय सतत्वमय तमोमय सभी पदार्थ सभी प्राणी के परम आश्रय भगवान में ही स्थित है। वेद ही उनके गुण नाम कर्म रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है वह उसके साक्षी हैं। सूर्य अग्नि आकाश वायु इंद्रियां, चंद्रमा संध्या रात दिन दिशाएं जल पृथ्वी काल और धर्म इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय भी होता है। पाप करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध ही रहता है, इसीलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते हैं और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उतना ही वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणियों सत्व रज और तम इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं, पुण्य आत्मा पाप आत्मा पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में उनकी त्रिविधा का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय में ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देते हैं। वैसे ही वर्तमान के जन्म में पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ अमराज सबके अंतःकरणों में विराजमान है, इसीलिए वे अपने ही मन से सबके पूर्ण रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना चलना फिरना आदि काम करता है और 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां इन तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्व तो आदि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष शोक भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम क्रोध लोभ मोह मद मस्तर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा बना देती है तो कभी पिता के जैसा। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। यह विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ है। सील सदाचार सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्माचारी विनयी जितेंद्रिया सत्यनिष्ठ मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु अग्नि अतिथि प्रिय पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का ही चाहता था, उपकार करता था, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समीधा और कुछ लेकर घर लौट आया। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा था। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। नशे के कारण उसकी आंख नाच रही थी। निष्पाप पुरुषों शूद्र की भुजाओं में अंग राग आदि कामोदीपक वस्तुएं लगी हुई थी। वह उनसे उस पुतला का आलिंगन कर रहा था।
अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा और मोहित होकर काम के वश में हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने में बहुत बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिचास ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती वो ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उस कुटिला को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न होती। उस स्वच्छंद चारणी कुटिला की तिरछी चितवन से इसके मन को ऐसा लुभा लिया, इसने अपनी कुलीन नव युवती और विवाहिता पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई और क्या सीमा है। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय जैसे ही जहाँ कहीं भी धन मिलता वहाँ से उसे उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही वह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्र यज्ञ का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल के समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। इसीलिए हम इस पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद का पहला अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।